गोरखपुर पीएसी मध्य जोन लखनऊ के तत्वाधान में 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर में दिनांक 21 सितंबर 2024 से 23 सितंबर 2024 तक आयोजित 11वीं अंतर वाहिनी पीएसी मध्य जोन वार्षिक मलखम प्रतियोगिता 2024 का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर श्री आनंद एस कुलकर्णी आईपीएस द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। इस संपूर्ण प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर प्रथम, 30 वाहिनी पीएसी गोंडा द्वितीय तथा दूसरी वाहिनी पीएसी सीतापुर तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं व्यक्तिगत प्रदर्शन में राजवंत चौहान प्रथम, राम अवतार द्वितीय तथा राकेश कुमार 26वीं वाहिनी पीएसी तृतीय रहे। इस अवसर पर आयोजन सचिव सेनानायक श्री आनंद कुमार आई पी एस, उप सेनानायक श्री अशोक कुमार वर्मा, शिविरपाल श्री लूदर सिंह, सुबेदार सैन्य सहायक श्री धर्मेंद्र सिंह, सहायक शिविरपाल श्री कमलेश गुप्ता सहित सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान निर्णायक गण उप निरीक्षक श्री रामानंद यादव, मुख्य आरक्षी श्री सरमू यादव, मुख्य आरक्षी श्री मन्नान खान, उद्घोषक आरक्षी श्री कुमार दीपक, मीडिया शाखा से शोएब रजा, ग्राउंड शाखा से सत्यवान यादव व संजीत चौधरी का सराहनीय योगदान रहा। गोरखपुर से ईएन दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उसके बाद केंद्र ने सीतापुर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए बस उसके पीछे 10वीं वाहिनी पीएसपी बाराबंकी द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए इस रीति में प्रतियोगिता में भाग ली थी। उसके बाद 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर की टीम मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए बहुत बढ़िया। उसके बाद 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए इसके बाद 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर की टीम द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए उसके बाद 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए उसके बाद 35 वाहिनी पीएससी लखनऊ द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए अंत में एसडीआरएफ की टीम द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम करते हुए सभी टीमें बैंड की धुन पे कदम से कदम मिलाए हुए इस ग्राउंड में अपना एक खूबसूरत सा प्रदर्शन करते हुए सबसे पहला प्रदर्शन है नमस्कार, जिसमें सबसे ऊपर है आरक्षी राजवंत चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम टीम के खिलाड़ी भी हैं और 26वीं वाली पीएससी टीम के टीम कैप्टन भी हैं। उसके नीचे आरक्षी ब्रजेश पांडे, तत्पश्चात आरक्षी रविंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार फॉर्मेशन के लिए एक एक करके खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करने के लिए तैयार। इस फॉर्मेशन का नाम होगा नमस्कार फॉर्मेशन। तालियों के गड़गड़ाहट के बाद पूरा ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत। यह इनका पहला फॉर्मेशन रहा जिसका नाम रहा नमस्कार फॉर्मेशन। काफी अच्छा प्रदर्शन। हु आजा की आवाज में काफी जोश भरते हुए
साथी खिलाड़ियों के सपोर्ट से अगले फॉर्मेशन की तरफ अग्रसर। फिर से आरक्षी राजवंत चौहान, उसके ठीक नीचे आरक्षी राकेश कुमार यादव, बहुत ही चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी आरक्षी राम अवतार। इस फॉर्मेशन का नाम होगा शेर फॉर्मेशन। शेर की आकृति में आपके समक्ष यह फॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन। शेर फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा। शेर फॉर्मेशन इस तरह से दूसरा फॉर्मेशन इन्होंने कंप्लीट किया। बहुत ही खूबसूरत, काफी जोश के साथ आजा, अच्छा जोश भरते हुए अगले फॉर्मेशन की तरफ अग्रसर। इसमें सबसे ऊपर है आरक्षी मंजीत पाठक, उसके ठीक नीचे आरक्षी राकेश यादव, उसके तत्पश्चात आरक्षी रविंद्र प्रताप सिंह, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन टीम के सभी खिलाड़ियों के द्वारा अब तक किया गया है। इन खिलाड़ियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी बहुत ही सुंदर फ्लावर फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को फ्लावर फॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह से यह तीसरा फॉर्मेशन भी कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है फ्लावर फॉर्मेशन। फिर से अगले फॉर्मेशन के लिए तैयार। इसमें है सबसे ऊपर में आरक्षी प्रभात सिंह, उसके बाद आरक्षी राजवंत चौहान, और साथ में है आरक्षी राम अवतार। मलखम के बारे में मैं आपको बता दूं कि मलखम तीन प्रकार के होते हैं। एक है पोल मलखम, बहुत ही खूबसूरत जिगजैग फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का नाम है जिगजैग फॉर्मेशन, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह से चौथा फॉर्मेशन भी कंप्लीट हुआ। आजा की आवाज में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मलखम तीन प्रकार के हमारे इंडिया में खेला जाता है। एक है पोल मलखम, दूसरा होता है हैंगिंग मलखम, और तीसरा रोप मलखम। आपके सामने है पोल मलखम, जिस पर हमारे साथी खिलाड़ी एक एक करके अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं फॉर्मेशन के रूप में। काफी चुस्त दुरुस्त सभी खिलाड़ी। इस खेल से खिलाड़ियों के शरीर की बनावट में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। यह खेल लगभग जिम्नास्टिक के जैसा ही माना जाता है। अब यह है भारत माता की जय फॉर्मेशन। बहुत ही खूबसूरत
भारत माता की जय। इस तरह से यह इनका आखिरी फॉर्मेशन समाप्त के सदस्यगण एवं साथियों, इस वाहिनी में 11वीं अंतरवाहिनी पीएससी मध्य जोन की मलखम प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ दिनांक 21/9/24 को किया गया, जिसका समापन आज होना है। इस प्रतियोगिता में पीएससी मध्य जोन की क्रमशः 2वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर, 10वीं वाहिनी पीएससी बाराबंकी, 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर, 25वीं वाहिनी पीएससी रायबरेली, 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर, 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर, 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा, 32वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ, 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ एवं एसडीआरएफ लखनऊ सहित कुल 10 टीमों के लगभग 170 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा। मलखम 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर प्रथम स्थान, 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा द्वितीय स्थान तथा 2वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर तृतीय स्थान प्राप्त किया गया। प्रतिभागियों के द्वारा अपनी टीम के मैनेजर एवं टीम कोच के निर्देशन में अनुशासित रहकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। निर्णायक गण ने अपना अमूल्य समय निकालकर बिना भेदभाव के निर्णय देकर प्रतियोगिता का समापन कराया एवं पत्रकार बंधु जिनके द्वारा प्रतियोगिता के शुभारंभ से समापन तक कवरेज कर अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया, जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। वाहिनी के अधिकारी एवं कर्मचारीगण ने अथक परिश्रम करके प्रतियोगिता को संपन्न कराया, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं सभी टीमों के साथ आए अधिकारीगण एवं भाग लेने वाले टीमों के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। चंद्र कुमार यादव, योगेश यादव, विजेंद्र कुशवाहा, उसके बाद सर्वेश पासवान, ये सभी खिलाड़ी क्रमवार आते रहे। उसके बाद आरक्षी संदीप कुमार गुप्ता, आरक्षी आनंद चौहान, तीसरी वाणी पीएससी गोंडा के खिलाड़ियों के द्वारा अथक परिश्रम कर अपने टीम को दूसरा स्थान इन्होंने दिलाया। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि तालियों इनके उत्साह पर दे तालियां बजाते रहें कि काफ़ी मेहनत के साथ इनका प्रदर्शन आप सभी में बेहतर रहा है। कृपया इनका उत्साह वर्धन करें। अब इसके बाद है 26वीं वाहिनी पीएससी गोरख की टीम, जो कि प्रथम साकेश कुमार यादव, आरक्षी मुकुंद कुमार सिंह, आरक्षी अभिषेक कुमार,
आरक्षी प्रभात सिंह, आरक्षी विशाल सिंह, आरक्षी करण तिवारी, आरक्षी अजय कुमार यादव, आरक्षी मंजीत कुमार पाठक, आरक्षी राम अवतार, आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी रविंद्र प्रताप सिंह, आरक्षी ब्रजेश पांडे और अंत में है आरक्षी विवेक कुमार पांडे। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा इन सभी खिलाड़ियों के द्वारा। अथक परिश्रम कर खिलाड़ियों ने अपनी टीम को प्रथम स्थान दिलाया। जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया खिलाड़ियों ने। अब मैं व्यक्तिगत चैंपियनशिप में नाम लेना चाहूंगा। एक टीम का बना दो से तीन बस। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर है आरक्षी राकेश कुमार यादव। दूसरा 26वीं वाली पीएससी गोरखपुर के ही खिलाड़ी है ये भी। इन्होंने 13.75 अंक प्राप्त किया है। और सबसे पहले स्थान पे है आरक्षी राजवंत चौहान, इन्होंने व्यक्तिगत में, और इनके सबसे अधिक अंक 22 अंक इन्होंने प्राप्त किया। इसी क्रम में मैं अब निर्णय मंडल को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। इनके लिए क्या गया था, इनके द्वारा शील 26 वाहिनी पीएसी गोरखपुर का मध्य जोन की मल्लकाम प्रतियोगिता में यहाँ मेरे साथ उपस्थित सेनानायक 26वीं वाहिनी पीएसी, उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथीगण और 26वीं बटालियन का सभी स्टाफ और उपस्थित हमारी सारी टीमें, ये पुलिस की एक बड़ी परंपरा, पुलिस की एक लंबी परंपरा रही है। खेलों के माध्यम से हम अपना फिटनेस बनाए रखते हैं और एक टीम भावना को भी विकसित करने का प्रयास जो है हमेशा होता रहता है, जो हमें विभिन्न जो सिचुएशंस आती है फील्ड फॉर्मेशंस पे, लॉ एंड ऑर्डर के समय पे, उसमें बहुत ही सहायता प्रदान करता है। अभी हम इसका डेमो भी देख रहे थे मलखाम का, उसमें भी सारी चीजों में एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है। सभी एक्टिविटीज में जो है कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है और सभी प्रकार के जो गेम्स है बेसिकली हमें यही चीज सिखाते हैं कि एक व्यक्तिगत परफॉर्मेंस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि हमारा उस टीम में क्या स्थान है और जो हमें दायित्व दिया गया है उस दायित्व को हम कितना अच्छे से निभा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल और अपने पूरी एफिशिएंसी के साथ निभा रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी के एक लंबी इतिहास अच्छे परफॉर्मेंस का मैंने पीएसी काम बटालियन में पीएसी कमांडेंट का जो दायित्व होता है और जो स्टाफ के साथ और बटालियन के जो हमारे जवान होते हैं उनके साथ जो एक जो परस्पर संबंध होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अलग विश्व है जो बाहर के
दुनिया से एक अलग बटालियन का है, इसकी सिस्टम जो है वो करता है। इसलिए आज मैं उन दिनों को, उन बलों को मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमारे जवान जगह जगह पोस्ट रहते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि आपको कोई समस्या है क्या। के द्वारा मंच के बाईं तरफ एकत्रित होते हुए सर, आज जो ये प्रतियोगिता हुई है, जो 11वीं अंतर वाहिनी प्रतियोगिता जो मलखम के खत्म हुई, ये 11वीं इंटर जोनल पीएससी बटालियंस की कंपटीशन थी और इसमें 26वीं बटालियन गोरखपुर की टीम जो है पहले प्रथम स्थान उसने प्राप्त किया है। और ये एक स्पोर्ट्स जो है एक रूटीन पार्ट है पुलिस का कि फिटनेस को एनकरेज करने के लिए, टीम स्पिरिट और टीम भावना को एनकरेज करने के लिए ये प्रतियोगिता रेगुलर अंतरवाल पे क्रिएट की जाती है और इसी से अच्छे हमारे खिलाड़ी भी जो इमर्ज होते हैं, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी पुलिस फोर्सेस के पास है। सर, ये नॉर्मल में मलखम देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पुलिस में ही देखने को मिलता है ज्यादातर, तो आज आपने देखा होगा कि इनका स्किल प्रदर्शन और इनका जो स्किल सेट है वो बहुत अच्छा है और ये लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था तो बहुत ही अत्यंत सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन इन लोगों ने दिया था, तो इसी परंपरा को सभी जीवित रख रहे पुलिस की बटालियन। थैंक यू। आज जो प्रतियोगिता हुई है जो 3 दिन से चल रही थी उसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है, क्या कहना चाहेंगे? और नमस्कार दोस्तों, मैं राजन चौहान 26 बटालियन उत्तर प्रदेश पुलिस मलखम टीम के तरफ से हूँ और आज तक लोग न्यूज चैनलों में देखते हुए आ रहे हैं कि मलखम प्रतियोगिता होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है। ये मध्य प्रदेश की राजकीय गेम है और इस गेम को उत्तर प्रदेश में लाया गया और इस गेम को हम लोग ने खेल करके जो है कि खिलाड़ियों को प्रदर्शित करने का काम किया। ये जो मलखम है तो नॉर्मल होता नहीं है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गेम है। अगर यूपी के अंदर बात करें तो सिर्फ पुलिस में ही दिखती है या तो पुलिस में या पीएससी में, बाकी इसके बाहर हम लोग नहीं देखते हैं। तो किस तरह से आप इसको प्रमोट करेंगे कि ये जैसे मध्य प्रदेश चल के यूपी में आ गई तो यूपी में भी लोग इसको प्रमोट करेंगे? उत्तर प्रदेश में झांसी डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये गेम का बहुत ज्यादा ही प्रचलन है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ है और लोग बीमारी के कारण जो है कि इस पार हो जाते हैं, शरीर में दर्द, कमर दर्द, इस वजह से लोगों को देखते हुए इस उत्तर प्रदेश पुलिस में लाया गया ताकि लोग जो बीमारी से ग्रसित है, ये मलखम एक योगा के मतलब तरफ से योग अभ्यास की तरफ से जुटा हुआ है और इसको करने से शरीर में कमर दर्द, शरीर दर्द ये ठीक हो जाता है और कोई भी आदमी फिट हो सकता है इसके माध्यम से। चलिए, आज आपने तो कंप्लीट टूर्नामेंट को कराया है ये हमारे और सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग का इसमें बहुत बड़ा जबरदस्त मैनेजमेंट होता है। जी, जी जी। तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर रहे थे? मैं अपने मुश्किलें आ रही थी आप? मुश्किलें तो बहुत होती हैं इसमें, लेकिन ये हमारे जो साथी हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और इन्हीं की वजह से आज मैं इस जगह पे और इतने अच्छे से मैं अपना गेम कराया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनका साथ है तो मैं और आगे तक इस प्रदर्शन को कराऊंगा। नहीं, आप तो फील्ड में होते हैं, ये मलखम पे चढ़े हुए होते हैं, पोल के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, अगर एक सेकंड की चूक हुई तो कुछ का कुछ भी हो जी, सकता जी, है जी। तो अगर मेरे इस टाइमिंग को कैसे मैनेज आप करते हैं, कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर? प्रेशर तो बहुत होता है सर, लेकिन टाइमिंग को लगातार अभ्यास करने से टाइमिंग बन जाती है। ये हम कम से कम यहाँ 10 दिन पहले से हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं और एक ही चीज़ की यही प्रैक्टिस होती है, भीसील का बजाना और इनका प्रदर्शन करना, इनका खुलना, ये मायने रखता है और ये लगातार प्रैक्टिस करने से ही इतना हो पाता है ये चीज़ें, और इनका साथ रहता है और हम अपना उसी टाइमिंग में अपना भीसील बजती है और प्रदर्शन भी अच्छा होता है। अगर हमारी कोई भीसील अगर गलत होती है तो इनका प्रदर्शन भी गलत हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग को देखते हुए भीसील को बजाना बहुत मायने है और इनका साथ भी रहता है। आपको चल बैजंती मिला, क्या कहना चाहिए? इसमें बहुत मुझे खुशी मिली कि मेरे खिलाड़ी द्वारा एक कॉम्बिनेशन गेम है और अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरे खिलाड़ी मिल करके बहुत अच्छा प्रदर्शन किए जो कि हमें चल बैजंती मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।